हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फैनेटिकल ट्रैवल। दिस इज नितिका। आई होप आप सब हैप्पी, हेल्दी और सेफली हो। आज का ये ब्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है उनके लिए जिन्हें यूएसए का वीजा अप्लाई करना है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और उनमें कैसे कैसे कौन से स्टेप कब लेने हैं। यूएस के वीजा एप्लीकेशन में 3 स्टेप आते हैं। पहला, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। दूसरा, वीएसी ऑफिस, जहाँ पे जाके आपको अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करने हैं। और तीसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, काउंसलर, जहाँ यूएस एम्बेसी में आप जाओगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिन्हें रेफर करके आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी यही किया था, बहुत सारे ब्लॉग्स को देखा, सब कुछ देखा, उसके बाद मैंने अप्लाई भी किया, इंटरव्यू के लिए भी गई। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे किसी भी ब्लॉग में नहीं बताया गया, तो मैं सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस करूंगी क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे। अब आते हैं पहले स्टेप पे। पहला स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। आप इसे खुद फिल करना ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या फिल किया है। अगर आप किसी और से फिल कराते हो तो आपको थॉरली पूरा फॉर्म पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, और अगर दोनों चीज़ें मैच नहीं की तो रिस्क है। तो व्लॉग्स बहुत सारे पड़े हैं, उन्हें रेफर करके आप फिल कर सकते हो। दूसरा स्टेप है, फॉर्म फिल करने के बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलती है दो। एक होता है वीएसी ऑफिस, दूसरा होता है यूएस एम्बेसी में जाके काउंसलर के साथ इंटरव्यू। पहले हमें वीएसी ऑफिस में जाकर अपना बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर और कॉन्फर्मेशन लेटर देना है, और तीसरा यूएस एम्बेसी में जाकर हमें इंटरव्यू देना है। वीएसी ऑफिस अलग होता है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का वीएसी ऑफिस है शिवाजी स्टेडियम में, और यूएस एम्बेसी तो सबको पता है वो अलग ही होता है। बट अब आता है मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नहीं पता था और जो मुझे किसी भी ब्लॉग में नहीं मिला। अगर आपने 1 साल से पहले, मतलब अगर आज है 18th अक्टूबर, अगर आपने 18th अक्टूबर 2023 से पहले 1 साल 17th अक्टूबर 2022 में वीज़ा आपके लिए अप्लाई किया है तो आपको उसको रीन्यू कराना होगा क्योंकि 1 साल के गैप के बाद वो डेफर हो जाता है। तो आप रिन्यू कराओगे, रिन्यू कराने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि 80% फॉर्म ऑलरेडी फिल होते हैं, आपको सिर्फ 20% फॉर्म फिल करना है और उसमें डेट चेंज हो जाती है तो उसे कंसिडर करते हैं। वैसे आप वीएसी ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे जेरोक्स और प्रिंट आउट और ये करने वाले होते हैं, बट आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है आपके अपॉइंटमेंट के बाद, तो आप उस टाइम में क्या क्या करोगे, इसलिए आप फंस जाते हो। जो वहाँ पे कॉस्टली जेरोक्स होते हैं, जैसे मैं फंस गई थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़, तो मैं गई, उन्होंने बोला कि भाई आपका ये एप्लीकेशन 1 साल पहले का है, आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि यहाँ पे बहुत सारे जेरोक्स वाले, उनसे जाके बात कर लो, वो कर देंगे, बट आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, 3:15 से 4:15, तो मेरे पास टाइम तो था नहीं। मैं गई, सामने ही था जेरोक्स करने वाला और वो ही उस फॉर्म को रिन्यू कर देते, क्योंकि अगर आप फ़ोन से करते हो फिर आप ऊपर जाते जेरोक्स कराने और वो बहुत टाइम लगाते हैं, तो आपका 1 घंटा उसमें कवर हो जाता। फिर आपका एप्लीकेशन समझ ही सकते हो आप, इसलिए मैंने सामने ही जो था उस बंदे के पास अपना एप्लीकेशन रिन्यू करने के लिए बोला, और उसने मुझसे रिन्यू करने का और प्रिंट करने का 1000 रुपये लिए। तो अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं घर पे ही रिन्यू कर देती, मेरे 1000 रुपये बच जाते और मैं नया अपॉइंटमेंट लेटर लेकर चली जाती। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको रिन्यू करना है अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन 1 साल पहले फिल किया है। अब लास्ट स्टेप है यूएस एम्बेसी में जाके काउंसलर के साथ इंटरव्यू। तो आप 500 वीडियो देख लो, सारी चीज़ें कर लो, बट जो काउंसलर की मर्जी होगी ना वो वही क्वेश्चन पूछेगा। मैंने बहुत सारे, मतलब 50 से भी ज़्यादा वीडियोस देखी थी और उसके लिए प्रिपेयर किया था कि मैं सारे आंसर दे पाऊँ करेक्टली या कॉन्फिडेंटली। मुझे काउंसलर ने एक भी क्वेश्चन वो नहीं पूछा, बट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे मुझसे वो बहुत ही सिंपल से थे। मतलब मैंने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया और नर्वसनेस थोड़ी थोड़ी तो थी ही, बट उन्होंने मेरे से बस ये पूछा, अपना नाम बताओ, कितने दिन के लिए जा रहे हो वो बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ बस। तो
मतलब यही है कि आपको उनको ये दिखाना है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके पास एक टेंटेटिव डेट है, आप जाओगे वापस आओगे। मेन आपको ये दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप वापस आओगे इंडिया। इसलिए जो भी आंसर देना कॉन्फिडेंटली देना और उन्हें ये दिखाना कि आपको वापस आना है, आप वहाँ पे स्टे नहीं करोगे और परमानेंटली रुक नहीं जाओगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी सारी तीनों। अब आते हैं मेन पॉइंट्स जो आपको फोकस करने हैं और जो हेल्प करेगा आपका वीज़ा अच्छे से इजीली एप्लीकेशन में और इजीली अप्रूवल में भी, और आपको थोड़ी दिल्ली की चीज़ें पता चल जाएंगी इससे। एम्बेसी में काउंसलर के साथ इंटरव्यू में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना, ओरिजिनल और उनके फोटोकॉपीज, मल्टीपल फोटोकॉपीज रहेंगे तो अच्छी बात होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपके टिकट्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें बताना होगा कि आपके टेंटेटिव डेट्स क्या हैं। अगर इन्विटेशन लेटर है जो आपके कोई रिलेटिव अगर बाहर रहते हैं यूएस में, उनसे आप एक इन्विटेशन लेटर ले सकते हो। आपके बैंक स्टेटमेंट्स ताकि उन्हें पता चले कि आपके पास अपने एकोमोडेशन और अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए इनफ पैसे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। वैसे तो उन्होंने मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, मैंने तो 200 प्रिंट किए थे, बैंक स्टेटमेंट के, इन्विटेशन लेटर के, सारे सब कुछ, मतलब वो सारे वेस्ट हुए। कोई डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं, ना ओरिजिनल देखा ना फोटोकॉपी मांगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर और क्वेश्चंस। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंप्यूटर में चेक कर ली। तो ऑल द रेस्ट, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिन्यू कराना है। दूसरा, वहाँ पर पार्किंग नहीं है, ना ही वीएसए ऑफिस में है शिवाजी स्टेडियम में, ना ही यूएस एम्बेसी में आप पार्क कर सकते हो। तो अगर आपके साथ कोई बंदा साथ में जाता है तब तो आप अपना व्हीकल उसको हैंडल करने को दे सकते हो, बट अगर आप अकेले जाते हो तो शिवाजी स्टेडियम में तो पार्किंग कहीं पे भी नहीं है। मैंने जो किया था, मैंने अपनी स्कूटी, वहाँ पे एक गार्ड था उसे 100 रुपये दे के उसकी रखवाली करने को बोल दिया था। अगर मैं ऐसे ही खड़े करके चल जाती तो टो हो जाती है। तो एक तो ये पार्किंग का इशू है, दूसरा यूएस एम्बेसी में पार्किंग वहाँ से 1.5 किलोमीटर आ गया है, तो आप अपनी पार्किंग वहाँ करोगे। और अगर आप किसी के साथ आते हो तो भी आप वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सा सेंसिटिव एरिया है। और लास्ट चीज़, आप वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते, जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कुछ भी ऐसा। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पे आपको जाकर सबमिट करना है। बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। मेन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप रिन्यू कर लेंगे, आपके 1000 रुपये बचेंगे। अगर मुझे पता होता मेरी भी 1000 रुपये बच जाते हैं। तो इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग हेल्प करेगा आपके यूएस वीज़ा एप्लीकेशन और अप्रूवल में। अब क्योंकि मैंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया है तो हो सकता है मैं यूएस भी जाऊँ और आपको नेक्स्ट यूएस के व्लॉग्स देखने को मिले। अगर आपको व्लॉग्स देखने और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प करे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग या फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।